हमारा आज का टॉपिक है द गुड्डू बैराज, जो कि चैप्टर नंबर 20 है हमारी इंग्लिश की बुक में। और मैं आखिर में आप लोगों से सवाल करूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, और जो बच्चा उस सवाल का जवाब कमेंट में दे देगा, यानी कि उस बच्चे को समझ आ गया। और दूसरा एक बात ये कि मैं एक लाइन पढ़ूंगा और उसका तर्जुमा बताऊंगा, आप सब ना बुक लेके बैठे ताकि आपको समझ आए। एंट्री लगा लें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। रिवर हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ मैन। रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है लोगों की जिंदगी में। दे हैव सर्व्ड एज अ ट्रेड रूट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। ये रास्ता था पहले के दौर में। बिफोर द बिल्डिंग ऑफ रोड एंड रेलवे मोस्ट ट्रेड वर्क कैरीड ऑन बाय पोर्ट्स एंड शिप। जब बिल्डिंग बनती थी रोड पे और रेलवे, तो तब ज्यादातर सामान कश्तियों और शिप पे लाया करते थे रिवर्स। दिस वॉज द रीजन दैट मोस्ट टाउन्स इन एंशियंट टाइम वर बिल्ट नियर रिवर। ये उस वक्त की बात है जब ज्यादातर आबादियां रिवर के करीब रहती थी। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ मिलाते हुए, रिवर हैव सर्व्ड मैन इन अदर वे। रिवर दूसरे तरीके से भी खिदमत करता था आदमी। मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। आदमी लोग डिपेंडेंट होते थे खुद बारिश के उगने के लिए, फसल के उगने के लिए। बट देयर वॉज नो वे टू गेट रेन वाटर फॉर इरीगेशन एट द रिक्वायर्ड टाइम। नॉर कुड द रेन बी रिलाइड अपॉन फॉर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। और उस वक्त बारिश के अलावा किसी और अमाउंट ऑफ वाटर पे भरोसा ही नहीं कर सकते थे। इट वॉज ओनली लेटर। ये जब की बात है, जब पुराने वक्त की बात है, दैट मैन लर्न टू स्टोर रेन वाटर एंड यूज इट फॉर एग्रीकल्चर इन ड्राई सीजन। फिर लोगों ने सीखा, समझा कि हम पानी को सेव कर सकते हैं बारिश के, और अपनी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं खुश्की के मौसम में जब बारिश नहीं होती। रिवर हैड वाटर इन अबेंडेंस। रिवर एक पानी का जखीरा है। सो मैन थॉट ऑफ डिगिंग कैनाल टू गेट वाटर फ्रॉम द रिवर फॉर इरीगेशन। फिर लोगों ने खड्डा खोदना शुरू करा कैनाल बनाने के लिए, और ताकि हम पानी को सेव कर सकें। द सिस्टम ऑफ कैनाल प्रोवाइड अ बेटर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। ये जो किनाल का सिस्टम आया, इससे वाटर सप्लाई का बहुत अच्छा सोर्स बन गया। बट इट हैड वन डिफेक्ट, बट इसमें एक खराबी थी। व्हेन देयर वाज स्टोरेज ऑफ वाटर इन द रिवर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जब यहाँ इस पानी की भर जाता है सर्दी के मौसम में, देन किनाल वुड रन ड्राई एंड द फार्मर वुड बी लेफ्ट विदाउट वाटर फॉर देयर क्रॉप। तो होता क्या है, जब स्टोरेज ऑफ वाटर, जब पानी का जो स्टोर होता है रिवर में विंटर सीजन में होता है, द किनाल कुड रन ड्राई। और जब किनाल ड्राई हो जाती है, तो फार्मर जो अपनी फसलें हैं वो सूखी छोड़ के चले जाते। टू प्रॉब्लम पोज्ड बाय रिवर। दो प्रॉब्लम है रिवर से ना, हाउ टू गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, कैसे हम रिवर से पानी हासिल करें थ्रू आउट द ईयर पूरे साल, एंड हाउ टू स्केप द फ्यूरी फ्लूड, और कैसे खत्म कर सके। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, फ्लूड पता नहीं क्या होता है, बहता हुआ पानी, मतलब वेस्ट ऑफ वाटर को कैसे खत्म कर सके ना हम। क्या है, रिवर का पानी जब ज्यादा हो जाता है तो वेस्ट होता है, इसको सेव कैसे कर सकें बताना ही चाह रहे हैं। फ्लोड मतलब बहना, और फ्लूड मतलब एक्स्ट्रा वाटर। तो बैराज आर द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमारे लिए बैराज एक आंसर है इन द प्रॉब्लम। अ बैराज इज अ काइंड ऑफ वॉल विच ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर। बैराज एक दीवार है जो रोक रही है पानी को बहने से। इट वॉज गेट्स, इट हैज गेट्स, इसके दरवाजे होते हैं थ्रू विच द वाटर इज अलाउड टू पास इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, जिससे हम वाटर को अलाउ करते हैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी से निकले, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी से निकले, यानी एकदम भल्ला निकल गया ना। इट्स एम इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द फ्लोड सीजन। जब बहता, जब बहुत पानी पानी का सीजन हो, जब बारिश का सीजन हो, तब इसको कंट्रोल किया जाए, स्टोर किया जाए, एंड स्टोर इट इन सच अ मैनर दैट द कैनाल कैन गेट वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से हम पानी हासिल कर सकते हैं पूरे साल। इन दिस वे फार्मर कैन बी गिवन वाटर फॉर दियर फील्ड, जिसकी वजह से किसान अपनी खेतियों को पानी पूरे साल दे पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स, अपनी जरूरत के मुताबिक। लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लाइफ और प्रॉपर्टी कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्लूड्स बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर। जिंदगी हमारी आसान हो गई है क्योंकि हमने बहते हुए पानी को कंट्रोल कर लिया है। दिस सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड एंड इज बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिस्टम अडॉप्ट करा सबने, सीखा, और इस सिस्टम को यूज किया जा रहा है दुनिया भर में। द गुड्डू बैराज इज वन ऑफ द मैनी बैराज बिल्ड इन पाकिस्तान। गुड्डू बैराज एक बैराज है पाकिस्तान का, और बहुत से बैराज बनाए हैं पाकिस्तान ने। इट इज बिल्ड ऑन द रिवर इंडस, जो कि रिवर इंडस पे बना है, विच फ्लो ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ पाकिस्तान।
जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान को पानी दे रहा है. द गुड्डू बैराज इज बिल्ड एट द प्लेस वेयर द रिवर ऑफ 14 किलोमीटर इज विथ. गुड्डू बैराज बना है वहाँ जहाँ 14 किलोमीटर का विथ है. इट इज डिजाइन टू फोर्स द वॉटर सेपरेट ओवर 14 किलोमीटर टू पास थ्रू द नैरो बैराज ऑफ अबाउट किलोमीटर. इसको मतलब आपने इसके ऊपर से एक पुल बना हुआ कह सकते हैं, वो भी 14 किलोमीटर का है. उसको पास करेंगे तो आप वाटर से जान छूटेगी कहना चाह रहे हैं. द बैराज इज 1355 मीटर इज लेंथ. इसकी लेंथ इतनी है. इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट अ फ्लोट ऑफ अबाउट 1.2 मिलियन कैसियस कैन पास थ्रू इट. इससे आप इतनी 1.2 मिलियन की स्पीड से पानी हासिल कर सकते हैं. 7 मीटर वाइड 7 मीटर चौड़ा है इसका रोड ब्रिज का. ओवर द ब्रिज हैज रिड्यूस्ड द रोड डिस्टेंस बिटवीन द लाहौर एंड क्वेटा. और जिसके ऊपर से ब्रिज जा रहा है वो फासला कम कर रहा है लाहौर और क्वेटा का. द डिस्टेंस बिटवीन द रहीम यार खान एंड कश्मीर हैज ऑलमोस्ट बीन हाफ. और रहीम यार खान और कश्मीर का जो फासला है वो भी तकरीबन आधा हो गया है इस ब्रिज की वजह से. It has a system of three main canal. ये बना है 3 मेल canal के system थे. 2 on the right bank जो and 1 on the left. 2 सीधे हाथ की तरफ है और एक left की तरफ. The बिगड़ी सिंध feeder and the desert pet feeder. ये बिगाड़ी सिंध का feeder बिगाड़ी को देता है, desert pet feeder को देता है. Are on the right bank the Gutki feeder on the left bank. They are among the biggest feeder canal of the world. हमारे पास बहुत सारे canal हैं, Gutki में हैं, बिगाड़ी में हैं और desert pet में हैं. ये सारे river हैं. They are among the biggest feeder canal जो कि बहुत बड़े canal हैं दुनिया के. The barrage is meant to irrigate an area of 2.7 million across acre. मतलब 2.7 million acre का ये barrage है. Most of this area lies in the Sakkar and Jacobabad district of Sindh and rest in Kalat division Balochistan province. और इसका ज्यादातर area Sakkar और Jacobabad में आ रहा है जो कि सिंध में है और बलूचिस्तान का कलाट division आता है इस canal. The green output of this area is expected to rise by 500,000 tons. और जो यहाँ की खेती बाड़ी है वो आधे से ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इस गुड्डू बैराज की वजह से. द गुड्डू बैराज इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान. गुड्डू बैराज एक बहुत बड़ा बैराज है पाकिस्तान का. इट हैज ऑल्सो बीन द मोस्ट डिफिकल्ट टू कम्प्लीट. और इसको बहुत मुश्किल से बनाया गया है, कम्प्लीट किया गया है. मोर देन 5,000 इंजीनियर टेक्नीशियन एंड लेबर वर्क डे एंड नाइट टू कम्प्लीट इट. 5,000 इंजीनियर टेक्नीशियन के सी की मेहनत से मिलकर, दिन रात मेहनत से मिलकर ये बना है. इट वॉज पुट इन टू ऑपरेशन 4 फरवरी 1962 को. इसको खोल दिया था, इसमें सिस्टम ऑन हो गया था. द बैराज हैज डैम द रिवर एंड पुट एन एंड टू द डैमेज केज बाय फ्लोड इन दिस एरिया. और बैराज फ्लो होता है जब रिवर भर जाता है या जब इसमें डैमेज हो जाती है और सारा पानी बह जाता है. चैप्टर खत्म हो चुका है. आखिर में आप बच्चों से एक सवाल है कि कितने लोगों ने मिलकर इस गुड्डू बैराज को बनाया. शुक्रिया.